जैसे जैसे राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासतदार अपने राज के पत्ते खोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चुनाव आयोग के चुनावों की घोषणा करने के बाद से ही राज्य के सीएम अशोक गहलोत के सुर बदले हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान की फिजा में एक बहुत बड़ी और दिलचस्प बात इस वक्त निकल कर आई है, जो हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताने की कोशिश करेंगे। खबर कुछ ऐसी है कि बीजेपी राजसम्मत से अपनी सांसद राजकुमारी दिया कुमारी को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रिप्लेसमेंट के रूप में तैयार कर रही है। हालांकि ये चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन अब सूत्र ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी एक विकल्प वसुंधरा राजे का तैयार करती हुई बीजेपी दिखाई पड़ी। हालांकि उन्होंने अब तक इस पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन पहली बार एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दिया कुमारी ने अपनी बातें रखी। जयपुर राजघराने से संबंध रखने वाली राजकुमारी दिया कुमारी राजपूत होने के साथ साथ युवा हैं, स्मार्ट फेस हैं, स्मार्ट जेस्चर दिखाती हैं और स्मार्टनेस के साथ बोलती। उन्होंने लंदन से ग्रेजुएट किया है, प्रदेश की राजनीति में उनकी एक खास पहचान है। राजकुमारी दिया कुमारी न सिर्फ राजसम्मत से मौजूदा सांसद हैं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में जयपुर की विद्याधर नगर सीट से भी वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं चुनाव की घोषणा से पहले ही उन्हें वसुंधरा राजे सिंधिया के रिप्लेसमेंट के रूप में माना जा रहा है। हालांकि वसुंधरा राजे अब भी राज्य में बीजेपी की सबसे प्रभावशाली नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन राजस्थान की जो इकाई है उनकी एक छत्र स्थिति अक्सर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ टकराव करती हुई दिखाई पड़ती है, यानी उनके गुट के लोग। वसुंधरा राजे और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच कथित मतभेदों की, कथित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुष्टि इस बात की नहीं है, लेकिन हाँ सियासी गलियारों में ये अटकलें जरूर लगाई जाती रही हैं कि अमित शाह से मतभेद कुछ हैं। 2018 से ये मतभेद दिखाई पड़ रहे हैं। राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी हुई थी, तब से इस तरह के विवाद दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि अभी ताजा स्थिति भी कुछ इसी तरीके का संकेत देती है कि दिल्ली से वसुंधरा राजे का मामला कुछ ठीक नहीं। ऐसा माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी दिया कुमारी को अगली वसुंधरा राजे के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है। हालांकि उन्होंने अब तक इस पर चुप्पी साध रखी, लेकिन दिया कुमारी ने पहली बार इन अटकलों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वसुंधरा राजे को अपना गुरु बताया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये महज अटकलें हैं, मैं वसुंधरा जी का बहुत सम्मान करती हूँ जो राजनीति में मेरी गुरु रही हैं। हम सभी अपनी बीजेपी के सिपाही हैं, पार्टी जो भी निर्णय लेगी और काम करेगी या जिम्मेदारी सौंपेगी हम उसे पूरा करेंगे। फिलहाल मेरा फोकस विद्याधर सीट पर है। यह ऐसा पहला मौका है जब दिया कुमारी ने वसुंधरा राजे के लिए कुछ कहा है। पिछले कई दिनों से लगातार मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही थी कि वसुंधरा राजे के पैरलर दिया कुमारी को बीजेपी तैयार करने की कोशिश कर रही है। हालांकि भीतरखाने अभी भी यह खबर चल रही है, अंदरखाने जो स्पष्ट जो जिस तरीके से संकेत आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि दिया कुमारी को प्रोजेक्ट करके बीजेपी एक बड़ा चेहरा, स्मार्ट चेहरा, युवा चेहरा राजस्थान में बनाने की कोशिश कर रही है वसुंधरा राजे के पैरलर। अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित यहां नहीं किया गया है। वो दिया कुमारी से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि बीजेपी के पास सीएम का फेस है, कमल ही बीजेपी का सीएम चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रैलियों में भी ये बात कही है कि सीएम का चेहरा कमल का प्रतीक है, आप कमल को देखें। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद दिया कुमारी को पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। इससे जो बातें शुरू हुई वो ये सिर्फ विधायकी तक सीमित नहीं रही, अब चर्चा ये गर्म है कि बीजेपी उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर देख रही है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये चर्चाएं चल रही हैं। वसुंधरा की तरह दिया कुमारी भी राज परिवार से आती हैं, एक पहला पॉइंट ये जुड़ता है। दूसरा ये कि वो जयपुर के अंतिम शासक महाराजा मानसिंह द्वितीय की पोती हैं, एक मजबूत पकड़ रखने वाला परिवार है ये दूसरी चीज उनसे मिलती है। दिया कुमारी के संदर्भ में आपको बता दें कि दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह भारतीय सेना में अधिकारी थे और होटल व्यवसायी थे। सेना के अधिकारी की बेटी होने के नाते दिया का बचपन बहुत शाही ठाट बाट के साथ ही गुजरा है। वहीं दिया कुमारी ने खुद अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि मुझे बेहद अनुशासित रखा गया है, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं शाही खानदान से हूँ या कोई खास हूँ। दिया कुमारी ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल और मुंबई के जीडी सुमनी मेमोरियल स्कूल से पढ़ाई लिखाई की है। जयपुर के महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से भी उनकी पढ़ाई हुई है। लंदन के पार्सस आर्ट एंड डिजाइनिंग स्कूल से उन्होंने डिप्लोमा किया। फिलहाल ये पहला मौका है जब दिया कुमारी ने वसुंधरा राजे को लेकर कुछ कहा है और ये कहा है कि वो हमारी गुरु हैं, वो मेरी गुरु हैं, मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है।
लेकिन जिस तरीके से सियासी गलियारों में दिया कुमारी और वसुंधरा राजे को लेकर एक कंपैरिजन, एक बनाम, एक वर्सेस जैसी स्थिति बनाई जा रही थी लगातार, उसके बाद दिया कुमारी का यह बयान निश्चित तौर पर काफी मायने रखता है।